हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पर पनीर बनाना बता रही हूँ। अगर आपके पास ना तो नींबू है और ना ही विनेगर, तो पनीर कैसे बनाएं? तो आज हम बिना नींबू बिना विनेगर के पनीर बनाएंगे और एकदम डेयरी की तरह सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं घर पर पनीर बनाना। पनीर बनाने के लिए एक गहरे बर्तन में दूध लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। फुल फैट मिल्क का मतलब होता है कि हमें कच्चा दूध लेना है, बिना पका हुआ। अब गैस ऑन करेंगे और दूध को उबाल आने तक पका लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब गैस बंद करेंगे। ध्यान रखें कि दूध को उबाल आने के बाद हमें इसे और नहीं पकाना है। अब हमें पनीर बनाने के लिए दूध को सेपरेट करना है। तो अधिकतर हम पनीर बनाने के लिए या तो नींबू का इस्तेमाल करते हैं या फिर विनेगर का, लेकिन यहाँ पर हमने दूध को सेपरेट करने के लिए 100 ml मठा लिया है। इसे छाछ या मही भी कहते हैं। अब दूध में मठा डाल देंगे और चम्मच की हेल्प से इसे चलाते जाएंगे। ध्यान रखें कि मठा खट्टा होना चाहिए, जिससे दूध जल्दी सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दूध सेपरेट होना शुरू हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि दूध पूरी तरह से सेपरेट नहीं हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा मठा और ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 50 ml मठा और डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे। ये देखिए, दूध पूरी तरह से सेपरेट हो गया है, पानी और छेना अलग अलग हो गया है। अब एक बोल के ऊपर छलनी रखेंगे। और अब हमें एक सूती कपड़ा लेना है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मसलिन क्लॉथ ही लें, सूती कपड़ा में भी पनीर बन जाता है। अब सेपरेट दूध को कपड़े के ऊपर डालेंगे और ये जो पनीर का पानी निकला है, इसे हमें फेंकना नहीं है। इसमें बहुत ही ज्यादा मिनरल्स होते हैं। इसे हम आटा गूंथने में, ग्रेवी में या फिर चावल पकाने में यूज कर सकते हैं। इसे हम अलग रख देंगे। अब पनीर के ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। पानी डालने से इसका खट्टापन निकल जाता है और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, जिसे हमें सेट करने में आसानी होती है। अब कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर इसकी पोटली बना लेंगे इस तरह से, और इसमें से हल्का सा पानी निकाल देंगे। इसे एकदम ज्यादा नहीं निचोड़ना है। अगर आप सारा पानी निकाल देंगे तो पनीर एकदम कड़क बन जाएगा। कुछ लोग की शिकायत होती है कि मैम, मेरा पनीर एकदम सॉफ्ट नहीं बन पाता। कारण यह है कि आप सारा पानी निकाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से पोटली सॉफ्ट होनी चाहिए। अब पोटली को खोल देंगे और इसे फिर से हल्का सा फोल्ड करेंगे, बस एक बार पलटकर प्लेटफॉर्म में रखेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर करीब 2 किलो का वजन वाली वस्तु रखेंगे। मैं यहाँ पर पत्थर का चकला रख रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप प्रेशर कुकर या किसी भी बर्तन में पानी भरकर इसके ऊपर रख सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा वजन वाली चीज नहीं रखनी है, नहीं तो इसका सारा पानी निकल जाएगा और पनीर हार्ड हो जाएगा। चकला को बैलेंस बनाकर बीचों बीच रखना है। अगर तिरछा होगा तो ये एक तरफ पनीर कड़क हो जाएगा और दूसरी तरफ सॉफ्ट पनीर बनेगा। इसे अच्छे से सेट करके रखेंगे। अब इसे 8 से 10 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, पोपली को खोलते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है पनीर। एकदम डेयरी जैसा सॉफ्ट पनीर बना है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, एकदम डेयरी जैसा सॉफ्ट पनीर बना है। आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करके पनीर बनाएंगे तो इसी तरह सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।